तो गाइस मैं आपसे इसमें एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप बता सकते हैं जो तीनों हाथ जोड़ा गया है तीनों हाथ में क्या क्या डिफरेंस है और वो जो डिफरेंस है वो क्या प्रतीत कर रहा है आप? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, आपको हैप्पी गोवर्धन पूजा। तो आज गोवर्धन पूजा है तो हालांकि हम लोग आए हुए हैं, एक हमको इनविटेशन था दंगल का, तो उस दंगल में आए हुए हैं तो शोरगुल आपको सुनाई दे रहा होगा, आवाज़ क्लियर ना आए तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। फिर भी चलिए हम आपको दंगल दिखाते हैं, आपको आवाज़ आ ही रही है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जेएमएस ग्रुप के चेयरमैन, एमडी एंड डायरेक्टर सर, तीनों लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं दंगल में और श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पे स्वर्गवासी मुलायम सिंह यादव जी को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके बाद जो है कि दंगल की शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो कि दंगल की पूरी तैयारी हो चुकी है और बैरिकेडिंग वगैरह भी लगी हुई, तो अभी तक कोई भीड़ नहीं थी। जैसे हम लोग आ चुके हैं तो सारे पहलवान और जो ऑडियंस है वो आ रही है धीरे धीरे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दंगल का जो है कि उद्घाटन किया जा रहा है। जेएमएस ग्रुप के चेयरमैन हैं, एमडी हैं और डायरेक्टर साहब हैं, तो उन लोगों का सम्मान किया जा रहा है और उद्घाटन भी दंगल का होगा। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों लोगों को माला पहनाया जा रहा है और माला पहना के स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। शॉल देखिए, यूपी में भाई शॉल और गमछा जो है कि सबसे मुख्य ही सम्मानजनक माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पिताजी हैं, बड़े चाचा हैं, छोटे चाचा हैं, इन तीनों लोगों को हमारे जेएमएस ग्रुप को एक तरफ से आ कह सकते हैं कि हमारे जेएमएस ग्रुप को सम्मान किया जा रहा है, उस ग्रुप को सम्मान दिया जा रहा है। एक यूपी में ऐसे ही सम्मान दिया जाता है, शॉल उड़ा के और गमछा सर पे बांध के माला पहना के। तो ये यूपी का रीति रिवाज है भाई, सदियों से चलता आ रहा है, शुरू से चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा ऐसे ही। तो आप लोग देखिए कोई सम्मान में कमी नहीं है भाई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे चोलापुर के, इसलिए हम उनको प्रमुख जी कह रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं तीनों लोगों को शॉल ओढ़ा के, गमछा बांध के सर पे और माला पहना के उनका स्वागत और सम्मान किया जा चुका है। तो अभी हम लोग गोवर्धन पूजा में जाने के लिए लेट हो रहा था हम लोग को, तो अब निकल रहे हैं। लोग देख सकते हैं वहाँ पे सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो हम लोग भी बैठते हैं, चलते हैं। चलिए भाई बैठिए बैठिए बैठिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम सारे भाई लोग चल रहे हैं। ये दीपू है, इधर अजय है, सौरभ है, आशीष है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं होटल में और आपके सामने हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री डीपी यादव जी। तो इनका जो पॉलिटिक्स का करियर शुरू हुआ था, पहले सर दूध बेचते थे, फिर दूध बेचते बेचते और आ गए हैं पॉलिटिक्स में, और इनके पास अपना खुद का उड़न खटोला है, हेलीकॉप्टर है सर के पास। तो आप लोग देख रहे हैं कि जेएमएस ग्रुप के चेयरमैन और डायरेक्टर सर उनसे जो उनकी लिखी हुई किताब है डीपी यादव जी की, तो वो डीपी यादव जी ने अपने हम लोगों को दी है पढ़ने के लिए। पूजा आज होने वाला है यहाँ खिड़किया घाट पे बनारस में, तो हम लोग आए हुए हैं और अभी काफ़ी भीड़ है, तो चलिए चलते हैं खिड़किया घाट पे और आपको खिड़किया घाट का हम जो नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं खिड़किया घाट पे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी हम खिड़किया घाट पे आ चुके हैं, तो यहाँ से आप लोगों को खिड़किया घाट का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा होगा। तो एक नज़ारा हम आपको और दिखाते हैं जो कि सूरज का है। तो ये रहा वो नज़ारा। आप लोगों को खिड़किया घाट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से शेयर करिएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस और सब तैनात हैं कि कोई घटना ना घटने पाए या कुछ होने ना पाए। तो चलिए गाली बजनी चाहिए हमारे अतिथि मुख्य अतिथि के लिए, गाली में कंजूसी नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में, कि कैसे अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले हमारे बीच में।
देख रहे हैं आप कि गोवर्धन पूजा पे कितनी सारी पब्लिक है यहाँ पे जो कि गोवर्धन पूजा का देखने आई है। अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय सुभाष यादव जी भी उपस्थित है, जो जेएमएस ग्रुप के डायरेक्टर है, और आपका हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन है। गोवर्धन पूजा के अवसर पे तो मैं सोचा आपको ये दिखा दूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये वही पुल है यहाँ पे। देखिए आप, ये जो ट्रेन ख़त्म हो रही है दूसरी ट्रेन उधर जा रही है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। आप लोग को मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा था जो कि मैं इंतज़ार कर रहा था काफ़ी देर से दिखाने के लिए, तो वो चीज़ ये है कि ये ब्रिज आप देख रहे हैं जो कि ब्रिटिश के टाइम का ही लोगों ने बनाया हुआ है। वो ब्रिज ऐसा है कि नीचे से ट्रेन जाती है और ऊपर से फोर व्हीलर टू व्हीलर और ट्रक वगैरह भी जाती है, नहीं ट्रक नहीं जाती है, बस वगैरह जाती हैं। तो आप लोग, आपको लाइव दिखा रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं, इसमें नीचे से ट्रेन जा रही है, ऊपर से ऑटो रिक्शा, पैदल वाले साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, फोर व्हीलर, ये सारी चीज़ें इसमें से जा रही हैं। तो यही मैं आप लोग को बनारस की जो ये अभी तक ब्रिटिश छोड़ के गई है बना के, इतनी मजबूती से बनाई है कि आज तक इस पर कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। और आज भी श्री सुभाष यादव पुत्र आदरणीय हवलदार यादव जी से आग्रह है, हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय हंसराज जी को अपना गुप्त श्री का पुरस्कार प्राप्त करें। आपको गोवर्धन श्री से सम्मानित करने का कार्य गोवर्धन पूजा समिति करती है। श्री सुभाष यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख चोलापुर भी रह चुके हैं, आप काशी रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं, साने सिटी भी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं, और आप जेएमएस ग्रुप के डायरेक्टर हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, आप रियल इस्टेट के भी कारोबारी हैं। आपके व्यवसाय को देखते हुए समिति आपको गोवर्धन श्री से सम्मानित करने का और आपको विशिष्ट अतिथि माननीय हंसराज बहन जी के हाथों का सम्मान प्राप्त करें। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं पीछे हमारे सीएनजी का पंप है, और जो यहाँ पे नाव अंदर चलती है तो वो सीएनजी का यूज करती हैं, जो उनकी फ्यूलिंग होती है, उनका ईंधन है, वो सीएनजी के द्वारा ही चलाया जाता है। तो गाइस अब हम आप लोगों को खिड़किया घाट घुमाते हैं। खिड़किया घाट के बगल में आप देख सकते हैं कि नदी है, गंगा नदी से बोलते हैं, और गंगा नदी ये राजघाट पुल है जिसमें नीचे से ट्रेन और ऊपर से फोर व्हीकल और टू व्हीलर साइकिल और ये सब चीज़ जाती हैं गाड़ियाँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो ये मिट्टी लगी हुई है, तो कुछ हफ्ते पहले पानी ऊपर तक आ गया था, इस पर चढ़ गया था पानी। अभी हम प्रोग्राम उधर चल रहा है गोवर्धन पूजा का, तो हम सोच रहे हैं कि तब तक आपको खिड़किया घाट घुमा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ये नमस्ते का सिंबल लगा हुआ है, ये अपने भारत की शान है, जहाँ भी जाते हैं हम लोग पहले नमस्ते हाथ जोड़कर ही शुरू करते हैं। तो कुछ
किस तरह ये प्रतीत होता है हम आप लोग को दिखा देते हैं। ये नमस्ते का जो स्तंभ बना हुआ है तो कुछ ये खिड़किया घाट कुछ यहाँ तक है। अभी हालांकि उधर बन रहा है, अभी उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उधर तो नहीं जा सकते, हम इधर ही हैं, आपको दिखाते हैं बाकी है खिड़किया घाट का। बाकी इधर यहाँ से ये उधर तक पूरा कंप्लीट बन चुका है और नदी अब लोग देख सकते हैं कि पानी इतना ऊपर तक आ गया था कि ये सब इसमें दबा हुआ है। तो जैसे जैसे मिट्टी कटेगी वैसे वैसे ये तो फुल क्लियर हो जाएगा। हम आपको चल के ऊपर से दिखाते हैं ये सिंबल है नमस्ते, ये पूरे इंडिया का प्रसिद्ध है। तो ये आप लोग को दिखाई दे रहा है। वीडियो में कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे काली जी का जो भी शुरू हो चुका है, थोड़ा ही आपको दिखा पाएंगे इनका ना प्रदर्शन। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये छोटी छोटी पांच दुकानें हैं जो कि यहाँ पे लगती हैं और हम लोग चल रहे हैं घर। तो प्रोग्राम को हमको बीच में छोड़ के जाना पड़ रहा क्योंकि वो लेट हो रहा है, घर जाना है। चलिए चलते हैं घर।